और भाई इतनी बुरी लगी देखो। हो जाओ आप तो मेरे से दुखी रहो, बड़ी है मेरे को काम कम उड़ाओगे। साली हम तुम्हें प्यार नहीं करेंगे, तो बेटा आप ले लेना वीडियो, आपको दर्द होता है। जय श्री राम भाई लोगों, सभी भाई लोग कैसे हो, मस्त हो, मजे में हो, तो मजे में ही रहना चाहिए। आज एक और नया व्लॉग लेके आया और इस व्लॉग को बनाएंगे अपन धमाकेदार। वो कैसे, आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और मोटिवेशन के ही सारे काम है। छोटा सा ज्ञान दे देता हूँ आप सभी को, जीवन में ना एक सबक ले लो, वो सबक ये है एक ही इंसान पे हमेशा विश्वास करना, वो कौन है, आप खुद। क्योंकि जो खुद के अंदर ताकत है ना वो भाई किसी के अंदर नहीं है, ये हमेशा याद रखना। अपन कई बार क्या करते हैं, यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, बस अपन वहीं हार जाते हैं। क्योंकि ये चीज मेरे भी कई बार दिमाग में आती है, फिर मैं उस चीज को छोड़ के काम करना शुरू करता हूँ, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाता है। कहां से मिल जाता है, खुद के दृढ़ निश्चय से। रात की बात बताता हूँ, एडिटिंग कर रहे हो और करता करता एकदम से लैपटॉप है यहाँ सिर टिक घुमा रो, टाइम हो रही है 4:15 यहाँ सिर टिक्यो रही हो, हमारी आंख खुली 6 बजे जब तक हमारी आधी एडिट भी कोई नहीं थी। तो भाई ये देखो मेरी साड़ियों को अब भी चैन नहीं है, क्या मेरी याद आ रही है तुमको? नहीं आ रही। अरे ये किसका आया था गंदा सा मुंह अभी बीच में? ठीक है कोई बात नहीं, याद नहीं आ रही है तो बेटा आप ले लेना वीडियो तुम। और ये बीच में चश्मा लगा के कौन आ रहा है, धतूरा सा। वाह पियू अच्छी भी लग रही है पियू ड्रेस बेटा आपकी। ओ देखो पियू कब आ रहे हो? आज सालासर जाके आओगे क्या? अरे ये क्या मुंह दिखा दिया, ये स्नेहा मौसी का ऐसा मुंह हो गया क्या? आरजी कैसी हो आप? लेकिन एक चीज देखी क्या, जब से मैं हूँ आरजी मेरे पीछे पीछे, और आप लोगों को विश्वास नहीं तो को दिखाता हूँ, देखना भी। अरे मेरे से आगे मत चले, बेइज्जती मत कर। ताली जी जा रहा हूँ मैं, जाऊँ योगेश जाऊँ? बाय योगेश बाय, मैं जा रहा हूँ, देखते किसके पास आती है। ओ तेरी नमक हराम, रात को मैंने तेरे इंजेक्शन लगवाए और तू मुझे ही भूल गई, बेवफा साली। तो भाई हम एक बार और इसके पेशेंट चेक करते हैं और इसका प्यार देखते हैं। आरजी बाय बाय। ओ भाई फिर से बेइज्जती कराने के लिए धन्यवाद। योगेश ये नमक हराम निकली रे। साली हम तुम्हें प्यार नहीं करेंगे, बोले करोगे कैसे नहीं तुम्हारी रिश्ते जी। और भाई इधर देखो नैना, क्या खाना होटल से मंगाया कि फिर आज भी? अब बनाऊंगी। 11:30 बजे यार का टाइम क्या गया तो? अभी नाश्ता तो किया था आपने? नाश्ता क्या था यार, मैगी खिला दी उसको, कोई नाश्ता बोलते हैं क्या? नाश्ता तो नाश्ता ही होता है। गलत बात नहीं ना, रात ने डाटे जी को तन दुखो को। अब तो चाहे कुछ हो जाए हाथ से ही बना के खिलाऊंगी, जब फिर हो जाए खाना पड़ेगा। अब आज से मैं भी नहीं ला रही आज के बाद आपको। और पता है भाई लोगों, कैमरा चलने के बाद धीरे बोलती है, और कैमरे के पीछे है ना, मैं कह रही हूँ कैमरे के पीछे पता क्या चलती है, खाना खा लो। मैं कह रही हूँ आज के बाद खाना, उसको लग रहा है मेरे को डांट रही हो। है योगेश कैमरे के पीछे कैसे चिल्लाती जोर से, और कैमरा चलती है इसकी आवाज देख। मैं आपसे ऐसे बोल रही थी, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी सीधी दिख रही है ना ये उतनी ही सीधी है। तो फिर आज कहाँ घूमने का प्लान है आपका? आज को घूमने का प्लान है, मेरा तो रेस्ट करने का प्लान है। पूरी रात निका खर खर सोई जाए, और मन पूछ 2 घंटा का सा निका 4-5 घंटा सोई जाए, मार मन पूछ 1 घंटे सिर्फ। कितने बजे सोई थी बताओ? काय बताओ? मैं 3 बजे सोई थी, 6 बजे उठ गई, 3 घंटे सोई थी सिर्फ मैं। 3 घंटे तेरी थी मैं भाई रात में, इन खतरे होने ना एक कॉफी बना लो। 3 बजे मेरे को नींद आ रही थी खतरनाक, बोले पहले तो पानी लेके आओ, मैं पानी लेके नीचे आके। एक चीज बताऊंगी मैम, दुखी हो चुका हूँ आपसे। हो जाओ आप तो मेरे से दुखी रहो, बड़ी है मेरे को काम कम उड़ाओगे। मुझे अब कोई दूसरी जगह जाके खाना खाना पड़ेगा रे। आपने क्या सोचा? नहीं अच्छी बात है खाओ जान। नहीं आपने क्या सोचा मेरे से? तो वो नहीं आपने क्या सोचा मेरे से? तो खाओगी नहीं ना पहले बताओ। मैं फालतू बना रही फिर रोटियां। रहने दो, रहने दो क्या सब्जी, रहने दो क्या सब्जी, मेरे को पता रहने क्या, दो बार से मंगाओगी जोर आ रहा होगा बनाने में, तो जोर आता ही है ना। दूसरी जगह ही खाओ आज तो आप जाओ। मैं दूसरी ले आऊंगा, ले आओ रोटियां। नहीं, 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 आज खाना बना रही है मेरे लिए। खाने में क्या बना रहे हो? भिंडी सब्जी रोटी छाछ। तो मैंने इसको रात को डांट दिया था, उसके बाद थोड़ी देर उदास उदास बैठी थी, फिर मैंने बोला पगली घुमा के ले आऊंगा थोड़े दिनों में, तब जाके रहा। ऐसा कुछ भी नहीं बोला इन्होंने, घुमा के ले आऊंगा। झूठा यहाँ कर दे, क्यों करते ऐसे बिना बोले? आपने कुछ नहीं बोला तो घुमाने का तो मुझे यार। हाँ करने मर जाएगी, ऐसे झूठे क्यों करते? अच्छा मर जाएगी, यहाँ करती है कर दे ना, देखो तेरा फक दबो कर दे। ये फालतू की बातें लाते कहाँ आप हमेशा हमेशा, फिर कहते हो गुस्सा क्यों आता है? यार एक चीज बताओ फालतू की, आपको मैं जब मेरे साथ रखता हूँ तो बातें तो लाई सकता हूँ। क्या बातें होती हैं ये, हाँ कर दे मर जाएगी यार, खुद ही बोले ना अभी। जाओ यहाँ से। और देखो गाइस एक चीज दिखाऊं क्या, नैना के फेस पे देखो आपको सबसे मोटी चीज क्या दिख रही है, बिंदी। अरे बिंदी मुझे पता है। मेरी साली देखो कैसे नाराज होकर बैठी है, मैं जा रहा हूँ। जाऊँ मैं भाई? बीमार हो रही है, कुछ खा नहीं रही है। बाय। ये देखो जा रही बिट्टू, तो भूख जा रही है। अरे भूख अमर थी कहीं बोले यार, जा रही बाय कर दो, बाय। सोने दो सोने। और आपने भाई नहीं जा रही, ये जा रही। सुनो मेरी बात, आप बेइज्जती नहीं कर पाए लेकिन ये हर मिनट मेरी बेइज्जती कर रही है। चलो चलता हूँ, अपने राजा बाबू की तरफ अपना सारा सामान उठा लिया। खातिरदारी ठीक थी, बढ़िया थी। एक चीज बताऊँ क्या, एग्जिटो तो ऐसा हो तूफानी मौसम, देखा कैसे कर दिया हमने, एग्जिट हो
स्टोरी आपकी। दांत कहीं कट जाए तुम यहाँ बता। दांत मैं निकालू आपको क्या? सारा घर खाना है बता जाजी लेते हैं लबस्तोर ठीक? देखा ला। अब नाम बता देखा ला जाए। आ जाओ मेरे साले साहब। और वो देखो अपनी गाड़ी घड़ी सामने बिल्कुल सामने पहाड़ पे से आते हो बादल एक नंबर लग रहे और मन कर रहे हो भाई आप भी घटे घटे घूम बजाओ ले गाड़ी लेकिन जमा घटे तो जानो आपा ने दुकान खूब दिन होगा बीके बाद में सामने एक आपनो दोस्त है बहुत पुराना दोस्त है बीके भाई की शादी बीके माए जानो आपा ने आज और भाई मौसम तो तुरंत तगड़ो छेड़ी जो बरसो लोग तो इन को बरसो लोग नानी याद दिला दिलो आज घराना तीन देखो ते माहौल काई बने जो मारो तो मिंडगा की जिया बारह निकलवा को मन कर को आत्मा प्रफुल्लित होगी बट गर्मी सारी दबगी और अब की बार जयपुर में तो ज्यादा गर्मी पड़ी भी कौन भाई 8-10 दिन 15 दिन पड़ी हुई ज्यादा ज्यादा और अब आपको मिला देते हैं हम मोटा भाई से। यस मम्मी मम्मी आ कई बात कीजिए मम्मी आठ जी बहुत ज्यादा बीमार जी और फिर मैं कल रात एडिट करवा सो कौन भाई वो तो मैं देख ली फिर एक रील बनानी जी कत्तो काम जो और फिर सोने अभी तक भी मैं सोयो कौन है ये तो कौन है भाई थारी साड़ी का समाचार सुना साड़ी का तो मैं ब्लॉग में देख लिया बलान अभी सुस्त बैठी जी क्यों खा रही बिन कोई बेकार को नहीं हुआ तरीका भी गर्मी लग गई है लग रहा है लागी कोई दूसरा आदमी छोड़ गया ट्रेन गड़बड़ भी खुआ दी आपका लाड सुना अगले पाल को ना कहीं तो ले तू एक काम कर स्कूटी ले जा पापा ने टिफिन पकड़ा आ जा आ जा अरे आ जा आ जा बरसता मोटरसाइकिल जाए भाग रहे तो 10,000 हाँ दिया बोल बट नहीं जा रहा होली एक शर्त है तारे पगंग पानी नहीं अड़नो चाहिए बारिश देखो देखो मम्मी 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 को यार दो दिन आपके साथ क्या रही रात तो बिगड़ गई बता यार अब तंदे आज तन कौन देख रही जाती देर से वो बेलदार जाग आप देखो आप लोग मैं कमाई ले सुने काम करते हैं हाँ। जाइए तो तू भी चाल में तो ले गाड़ी कपड़ो तो मारिया मैं क्यों मारू अरे थारे जाने ड्राइवर है ए मैं गाड़ी के कपड़े मारूंगी क्या गाड़ी के माए तो सफाई करते आरची का बाल बाल हो रहे थे बहुत गलत तन पता दो बज की रोटी कौन खाई मत निकला डायलॉग रोटी कौन खाई टाइम कौन मिलियो खान दो सारो हाँ भाई मम्मी सारो कपड़ा धोई बीच बाद का सारा शायद ई कारण ही आपने नाच की टंकी में आधी टंकी ऊंची रह जाए तू खाए कौन है रोटी आप 1.5 क्विंटल ही कौन एक साल में एक कुंटल तो मैं ही खा जाऊंगा तो जंग लड़ गो और जंग लड़वा के लिए कहीं करना पड़ा पाए चाहूंगा तो लखन गुंडा भी डेटा से थारा पहली आ तो अरे क्यों लड़नी पड़ेगी तो पहली आ तो भाया टाटा तू जंग का ही कौन लड़े आज जंग में नहीं लड़नी पड़ेगी स्विच खराब हो जाए पानी पड़ गो मारकन मंदिर दी कर जगह बर्ता मेगा माए ने मिलियो मारा पापा सब कमेंट करता रहो पिताजी कहाँ है पिताजी कहाँ है तो पिताजी गाइस को हेलो कर दो हेलो कुछ काम से यार तो बैंक का काम करया पेंडिंग काम करया और 3-4 कोरियर पड़े ये कोरियर जो है कोरियर वाले फोन कर वो और कोरियर ले जाए पापा मैं कौन आई तो काम तो थे संभाल लेता फिर अब यार ये पड़े यार कोरियर आज तो लगा जाना कबाल बैंक में कौन कौन सिम जा रहा है पहले नाम लिख दू मैंने एक साथ हफ्ते खूब दिनों से आयोग तो देखो एक साथ लोड तो बढ़ाई लोग पेमेंट है वो भी करना चलो जाऊँ फिर मैं बाई पास कर बाढ़ थी देख लो एकदम खतरनाक तरीका और आगे से कोई गाड़ी की फोटो लेने अगर आधा टायर डूब चल रहा है जी गाड़ी का गुड मॉर्निंग दीदी इवनिंग भाई दोपहर के अंदर नहीं सोते हैं सोऊंगी अब वाह दीदी भाई ब्लॉग चालू होते बालों को हिलाना शुरू वाह दीदी बाल तो मस्त लग रहे हैं तेरे थू 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 लोगों को दिखा देता हूँ शिवा बाकी शाम को दिखाएंगे डलाएंगे अपन गाड़ी के अंदर डीजल और देखते कितना डीजल आएगा डाल दो फुल इस महीने की शायद ये चौथी टंकी है मेरी तो उतरो ज्यादा गुम्बा लागू ने मैं तेल या पानी की जो उड़े थे यार अब थोड़ा कंट्रोल कर छू ई टंकी ने मैं सोच रही हूँ 15 दिन तो चला वही टारगेट लेट चलना देगा 33 साल पाओ जाए डीजल जी को मैं 46 मतलब 47 रुपए मान लियो जी 50 लीटर डीजल आगो अपन पैक करा रहे अपनी दही पतासी जोधपुर मिष्ठान भंडार है अपने सोपर रोड
रोड पे वहां से भाई एक नंबर दही पता सी दे से। ओहो मम्मी ओ कहीं उड़ी है। अरे ओडियो में तो कहीं बाबा साहब तू कदी तान रे इन बंदूकन तैयार रह जा। खिलाए हैं जोधपुर वाले की फेमस दही पता सी। तो हमने तो खाना खा लिया। कोई दिक्कत नहीं और खाओ और मोटे हो जाओ हमारी तरह। हम चाहते हैं कि आप हमारी बिरादरी में आ जाए मैडम। एक चीज बताऊं मैं आज ये लास्ट बार मैं इतना खाऊंगा के बाद मैं शाम को फिर खाऊंगा। हाँ तो जाऊंगा शाम को शादी में। शादी में थोड़ी दही पता सी मिलेगी मैडम वहाँ मिलेगी जलेबियाँ जलेबियाँ जलेबियाँ। बेटी का बाप कर ले जो भाई मम्मी इनसे देखो एक बार देखो मैक्सी उड़ी ये ताकत होती है कैमरे की। का प्यारा शिवा क्या खा रहे हो? मैंगो खा रहे हो? ये कहाँ से लाए थे? अच्छा नेहा मौसी के से लाए थे। तो सारी आप अकेले खा जाओगे? खा जाओगे? खट्टी है मीठी है? मीठी। खा के दिखाओ। लो इंजेक्शन आ गया मम्मा इंजेक्शन लगा रही है। इंजेक्शन का टाइम हो गया ना अब आपका? आपको दर्द होता है? अयो अयो आप जल्दी ठीक हो जाओगे देखना। मामा मामा मैं स्कूल गया था। अच्छा आज स्कूल गए थे? फिर स्कूल में क्या करके आए? मैं बुक पढ़ाई कर। अच्छा काली मैम पढ़ाई नहीं कर रही आज? बताओ यार काली मैम से कितनी परेशानी हो रही है। और क्या हुआ स्कूल में? ये किसने मारी स्कूल में? बच्चे मारी बेटा जरूर बदमाशी करी होगी। इतनी बोली है नहीं जितनी बोली दिखती है गोली। अच्छा सुनो गर्लफ्रेंड आई थी स्कूल? क्या बोली आपको? अच्छा किसी दिन नहीं थी आपको? गाल पे। और क्या क्या किया स्कूल में? है मस्ती करा। कौन लेके गया था स्कूल आज? पापा। अच्छा पापा लेके गए थे? कीरा खाया था स्कूल में आज? बादाम भी खाया था। कपड़े कर लिए चेंज। अब चेंज क्या कर लिए यार ऑप्शन ही यही बचा था। सारे कपड़े हो गए भाई टाइट भयंकर टाइट। कमर पे तो जींस नहीं आती और पेट पे शर्ट नहीं आती। भैया हम मोटे होते जा रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं जा रहा हूँ भाई शादी के अंदर कहाँ नांगल जा रहा हूँ। नांगल जो पुनाना से पहले मतलब मेरे गाँव से जस्ट पहले वहाँ शादी के अंदर जाते हैं। और शादी का अगर वहाँ माहौल बढ़िया हुआ तो आपको माहौल भी दिखाया जाएगा। और सनसेट की वजह से देखो बादल कितना प्यारा लग रहे हैं। पर ये देखो हेलमेट से बचने वाले चोर इधर से जा रहे हैं। भैया हेलमेट पहन के चला लिया करो। ये लड़कियां भी हेलमेट नहीं पहन रही है। पता नहीं क्यों नहीं पहनते हैं हेलमेट। कोई हेलमेट पहनने में शर्म है क्या? भयंकर एक्सीडेंट यार वो भयंकर। भाई साहब स्कूटी वाला की गलती से कांटी खट्टी नु घुसा रहे हो जो। और भाई इतनी बुरी लगी देखो स्कूटी की हालत देखो एक बार घात के लगी। अभी जो क्लिप देखे ना अभी कमाई थान कहीं लगी कुण की गलती हो सके भाई। वो स्कूटी वालों बिना देखे ठीन लिया है। और छोरा बापड़ा आपका धीरे धीरे चल रहे निका आराम सू। और वो भी धीरे धीरे ही जो। लेकिन यार छोरा की कहीं गलती माना जब अचानक कोई सामने से घुमाई दे लो तो भाई मारा आंख क्या देखे यौन को दौड़ो लगी भाई छोरा उछल रहे पड़े उल्टा। लेकिन यार देखो यहाँ चालो तो यार थोड़ा ध्यान रखो यार रोड पे ध्यान रखो। बिकी भी नहीं स्कूटी जी और एक ही चलो मोटरसाइकिल पुरानी जी जनानी को नहीं सबसे बड़ी चीज आज थोड़ी बहुत लाग लोग रहेगी। और फिर समझदार आदमी जब लड़े भी को ना आपस में समझ लिया कि हाँ भाई थर लागी तुम्हें दिखा लिया यार फिर अभी समझदारी से। लेकिन चलावा थोड़ी समझदारी ज्यादा रहा भाई। मैं ब्याह का माए पूछ गया और ब्याह का अध्यक्ष साहब से मैं महावीर जी देख रहा। अरे अध्यक्ष की यहाँ कहीं राख धूड़ो भी लीजिए काम कर कर हार गोला है ताकि ताऊ जी भी एक्सपायर होगा जाबर। पर ब्याह तो भाई रूप को चुका तो हो ही ला भाई। अब दूल्हा के भाई साहब पीला चावल होगा तो वो तो भाई ब्याह तो करे ही। और भाई ब्याह को माहौल तो एक बार देख लियो आल तेरी भीड़ हो अब शुरू हुई है। मैं बहुत जल्दी आऊंगा। हाँ तो अनिल भी ना रहे जो देख था रहा बट बजरी से 9:30 आपस शादी से फ्री हो चुके जा बट ऐसा घरा जावा अपन लगला 40 मिनट। और यार ब्याह का मैं जो भी लोग मिले बन बहुत बहुत धन्यवाद। और यार यही सपोर्ट बनाए रख जो। और तो कहीं यार अब वो व्लॉग काफी लंबो भी हो रहे हो तो आज का व्लॉग ने तो करा जा अठी एंड। और मिला जाता नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।